नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। मोहोगनी ट्री प्लांटेशन यानी कि मोहोगनी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम पूरी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया इसके बारे में, कुछ इंडिया के अंदर जिन लोगों ने ये प्लांटेशन किया हुआ है, कुछ विदेशों के अंदर कुछ लोगों से मैंने बात करके पूरी जानकारी हासिल की है, उसके बाद ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है स्वेटेनिया मैक्रोफिला। कॉमन नाम और इंग्लिश में भी इसे महोगनी बोला जाता है और ये मेलियासी फैमिली की प्रजाति है। कंट्री ऑफ ओरिजिन साउथ अमेरिका और मेक्सिको के अंदर ये इसका मूल उद्भव स्थान है। बाद में यूटिलाइज हुआ है ये फिलीपाइन, सिंगापुर, हवाई के अंदर। और इंडिया के अंदर जो प्रजाति पाई जाती है वो उसकी स्पेसिस की हुई यानी कि क्लोन किया हुआ प्रजाति है। तो भारत के पश्चिमी छोर के अंदर जो प्रजाति पाई जाती है वो एक स्पेसिस की हुई प्रजाति है। मेनली पांच तरीके की प्रजाति है मोहगिनी की, जो कि क्यूबन मोहगिनी, हुंडरान मोहगिनी, मैक्सिकन मोहगिनी, अफ्रीकन मोहगिनी जो कि खाया के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूजीलैंड मोहगिनी। हालांकि इसके बहुत सारे प्रकार और भी है लेकिन उन प्रकारों के अंदर थोड़ा डिफरेंट कम है। ये जो पांच प्रकार है उसमें से थोड़ा डिफरेंट ज़्यादा है क्योंकि इसकी लकड़ी का रंग, पत्तियों की साइज, इस पर थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है। तो इसलिए पाँच जो प्रजाति है वो मुख्यत्वे आपको देखी जा सकती है। फल और पत्तियां जो है इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसके फल और पत्तियां होती है। पत्ते की जो साइज होती है वो 4 से लेकर 10 इंच तक होती है। हालांकि भारत के अंदर 4 से लेकर 6 इंच तक के ही पत्ते बड़े होते हैं। फूल उसके सफ़ेद या पीले रंग के हल्के से छोटे छोटे फूल आते हैं और सुगंधित फूल होते हैं इसके। अप्रैल से जून के अंदर इसे फल बैठते हैं। उसका वृद्धि दर बहुत ही कम है, धीमी गति से वृद्धि दर इसका है। तो जो फल है उसके वो नाशपाती के आकार के होते हैं और भूरे, हल्के भूरे रंग के होते हैं या तो ग्रे रंग के होते हैं, और उसके अंदर कैप्सूल के आकार के छोटे छोटे बीज होते हैं। तो जो ऊंचाई है उसकी 40 से लेकर 150 फीट तक ऊंचाई होता है, कहीं कहीं 200 फीट तक भी ऊँचा होता है, लेकिन भारत के अंदर 40 से 50 फीट से ज़्यादा ये ऊँचा होता नहीं है ये पेड़। और अलग अलग जगह पर ये ज़मीन और जो मौसम के हिसाब से इसकी ऊंचाई रहती है। ज़्यादातर जहाँ पर तूफान और आने का संभावना होती है या ज़्यादा हवाएं चलती है वहाँ पर ये पेड़ करना ठीक नहीं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो ऊपर होती है। जड़ें जो जड़ें ज़्यादा लंबी ज़मीन के अंदर गहरी नहीं होती, इसीलिए ये पेड़ क्या ज़्यादा हवा के अंदर उखड़ जाते हैं। तो इसीलिए हालाँकि हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी मौसम है वो अच्छा मौसम है और यहाँ पर ज़्यादा हवाएं चलती नहीं है, तूफान भी ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर ये जो प्रजाति है यहाँ पर सही तरीके से हो पाती है। महोगनी पेड़ की हम उपयोगिता को समझ लेते हैं क्योंकि हमारे को ज़्यादातर जानने की ज़रूरत है कि हमारे को महोगनी का जो पेड़ है उसकी हर एक चीज़ काम में आती है और वो क्या क्या काम में आती है, तो हमारे को किस हिसाब से उसको हम अपने कॉमर्शियल उपयोग ले सकते हैं। तो लकड़ी इसकी, इसके पत्ते, इसके जड़े, सब कुछ इसका काम में आता है। ये पूरी तरह से कॉमर्शियल पेड़ है। जहाज़ बनाने के अंदर इसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। टिकाऊ फर्नीचर, संगीत के वाद्य यंत्र, हथियार के हत्थे, मूर्तियाँ, नक्शेगिरी के साजो सामान, जो सजावट का सामान होता है वो, ट्री हाउस, वाटर होम, प्लाईवुड, सब कुछ इससे बनता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी है, जैसे कि सागवान, शीशम होता है उस तरीके की ये लकड़ी है। और जो फलों को हम आमतौर पर सीधे तौर पर हम नहीं खा सकते, लेकिन जो स्वास्थ्य के हिसाब से वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ में मुक्त कणों से लड़ना, रक्त प्रवाह में वसा को कम करना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना, प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर वृद्धि करना यानी कि जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाना, ये सारे इसके गुण हैं। तो इस गुणों के कारण इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है दवाइयाँ बनाने में, वॉर्निश, पॉलिशिंग मटेरियल बनाने में, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल, ये सारे छोटे छोटे इस्तेमाल इसके होते हैं। तो इसके जो फल है वो काफ़ी गुणों से युक्त है, तो फल का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ये इसका फल है। अभी आते हैं जो भी कुछ कंपनियां हैं वो दवाई वगैरह बनाती है, जैसे कि ये चाइनीज़ कंपनी है, कुछ आपको
amazon.com के ऊपर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से सर्च करोगे कि महोगनी की जो जो दवाई है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि एक्चुअल में महोगनी के हम क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है। महोगनी के फूलों से, महोगनी के पत्तों से, महोगनी के जो उसका लकड़ी के जो बारीक भूखा होता है, उस सभी चीज़ों से इसके अंदर इस्तेमाल होके कुछ ना कुछ इसका बनता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको amazon.com के ऊपर आपको मिल जाएगी। पत्तियों का उपयोग, पत्तियाँ बहुत ही उपयोगी है इसकी। जिस खेत के अंदर भी अगर ये पेड़ लगा होता है, वहाँ पर आसपास मच्छर नहीं आते, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मस्कीटो कॉइल बनाने के अंदर होता है। विभिन्न प्रकार के जो मच्छर भगाने की जो दवाइयाँ होती है, तेल होते हैं, वो सब चीज़ें इससे बनती है। और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और खाद बनाने भी इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हमें ये सारी जानकारी मिल गई कि हमने ये इसके पेड़ जो है वो इसके हर एक भाग किस काम के अंदर आता है। तो हमारे को इसे अगर लगाने का विचार होता है, तो हम इसको कैसे लगाएं? ज़मीन, किसी भी तरीके की ज़मीन के अंदर ये लग जाएगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और 4 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर इसके आप लगाइए। ज़मीन के बीच में भी लगा सकते हैं और खेत के चारों तरफ भी आप लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो छाया है वो किसी दूसरे पेड़ को नुकसान नहीं करती है, और किसी दूसरे पेड़ की छाया भी इसको नुकसान नहीं करती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो पौधों को कहाँ से हम खरीदे जाए, तो मैं किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी का यहाँ पर प्रचार नहीं करूँगा। तो आप जिसको भी ख़रीदना है या कुछ भी जिसकी माहिती चाहिए या जानकारी चाहिए, तो वो कमेंट के अंदर आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर आपको सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएंगे, कुछ वेबसाइट के नाम भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट करके आप सीधा वहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें अभी तक कोई भी हाइब्रिड प्रजाति या टिश्यू कल्चर प्रजाति अभी तक इसमें खोजी गई नहीं है। तो कृपया करके आप ये जो जहाँ से मत आना कि ये हाइब्रिड प्रजाति के है या टिश्यू कल्चर प्रजाति के है, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ सिंपल प्रजाति है इसकी, स्वेटेनिया मैक्रोफिला की, जो कि जो पाई जाती है प्रजाति, वो सब जगह एक ही प्रजाति के पेड़ यहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं। तो कोई अगर बोलता है आपको कि ये टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, तो आप उसे ज़्यादा प्राइस में लेने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, अभी पौधे लगाने का तरीका कैसे है? मई महीने के अंदर आप खड्डे खोद दें, उसके बाद जून जुलाई के अंदर जैसे पहली बारिश होती है, उस टाइम आप उसके अंदर खड्डों के अंदर गोबर वगैरह भर दें, गोबर का खाद वगैरह। उसके बाद उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन का खाद भी डाल दें, किसी भी कंपनी का हो सकता है वो। और बारिश होते ही आप उसके अंदर पौधे लगा दीजिए। पानी जरूरत के हिसाब से आप इसमें देना है, उसके आसपास घास वगैरह होने देने नहीं है। जो भी किसान के रूप में हम जो भी करते हैं एक पेड़ को उगाने के लिए, वही सारी चीज़ें इसमें इसके अंदर करनी है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कुछ भी नहीं होता है, ना ही इसको कोई कीड़ा लगता है, ना ही इसको कुछ नुकसान होता है। आपको बस इसमें पानी की जो मात्रा है वो अपनी रेगुलर रखनी है इसके अंदर, और समय समय के ऊपर आसपास का घास निकालते रहना है, बस वही इसकी मावजत है। कोई किसी भी पद्धति से आप इसको सिंचाई कर सकते हैं, चाहे आप परंपरागत पद्धति कर लें, चाहे आप ड्रिप इरिगेशन कर लें। बट पहले साल के अंदर जब आप लगाते हो, तो पहले साल के अंदर आप वो इसमें पानी की कसर होने देनी नहीं है। दोबारा अगला साल आ जाता है, उसके बाद में आप एक एक महीने बाद पानी इसमें दे सकते हैं। तो खाद का मैंने आपको बता ही दिया है, यूरिया खाद या फिर आप माइक्रो न्यूट्रिशन का जो भी खाद होता है वो आप डाल सकते हैं। छटाई की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ के ज़्यादातर तने होते नहीं है, छटाई की इसमें आवश्यकता नहीं है। अभी क्या इसका दाम आएगा और कहाँ बेचे, कैसे बेचे इसको? तो मैंने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मिनिमम अभी 2,000 रुपये यहाँ पर घन फिट का दाम चल रहा है महोगनी के पेड़ के लकड़ी का। तो आगे इसका दाम बढ़ेगा, उम्मीद है आगे दाम इसका बढ़ेगा। अच्छी लकड़ी है, टिकाऊ लकड़ी है, और इसको कहाँ पर बेचे, कैसे बेचे? तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमें इसको खुद ही काट के, खुद ही इसकी प्रोसेसिंग करके हमारा बेचना अच्छा रहेगा। क्योंकि भारत के अंदर अगर महोगनी का इतना अच्छा अभी तक मार्केट नहीं है कि आपको कोई महोगनी के पेड़ के नाम के ऊपर ही आपको उसका प्राइस या उसका कुछ दाम बता के आपसे वो कीमत में ख़रीद लेगा। तो यहाँ पर वही सारे पेड़ों के हिसाब से ही ये लकड़ी भी इसका मतलब उसी कैटेगरी में आ जाती है।
तो इसको आपको मोहगनी के नाम के ऊपर आपने अगर बेचना है तो आप खुद ही काट के इसके खुद ही इसका प्रोसेसिंग करके आप बेचोगे तो आपको ये अच्छा है, क्योंकि मोहगनी का जब लकड़ी काटते हो तो उसके अंदर जो लकड़ी का जो खूबसूरती है उसकी, उसको देख के हर कोई भी इस लकड़ी की प्राइस आपको अच्छी देगा। अंतर फसल, तो पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको जो बायर्स के नंबर चाहिए अगर मोहगनी के पेड़ को आपको बेचना है तो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर, आप कमेंट्स के अंदर आप वहां से पता कर सकते हैं, वहां पर बहुत लोगों के आपको कमेंट्स आएंगे उसके अंदर, आपको वहां पर नंबर्स मिल जाएंगे जो बायर्स है और सेलर्स है दोनों के, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। अंतर फसल की शक्यता इसमें क्या क्या है, जो आपने अगर खेतों के बीच में आपने ये पौधे लगा रखे हैं, आपने बगीचा बना रखा है, तो आपको उसके बीच में जो जगह है, दो पेड़ों के बीच में जगह है, वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, दूसरी कोई फसल लगा सकते हैं आप, लेकिन 1-2 साल के लिए आप लगा सकते हैं, उसके बाद में जैसे पेड़ बड़े हो जाते हैं फिर आप उसमें बाकी खेती नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी अगर बेल वाली खेती या कोई दूसरी खेती जो कि ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए वैसी खेती आप कर सकते हैं, और आपने कुछ भी नहीं करना है उस ज़मीन का, आपने यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पर आप तुलसी के पेड़, वहाँ पर तुलसी के पौधे आप लगा दीजिए, ताकि जो तुलसी होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा को क्या है ज़मीन के अंदर बरकरार रखती है, जिससे क्या होगा आपका जो महोगनी के पेड़ है उसको नाइट्रोजन मिलता रहेगा और आपका जो पेड़ है वो जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो तुलसी काफ़ी फायदेकारक है, मैं ये सिर्फ महोगनी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं हर एक पेड़ के अगर आप जड़ के अंदर लगाओगे तुलसी का पौधा तो वो उस पेड़ की वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। भारत में महोगनी की मांग अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर इसकी मांग बढ़ती रहेगी, प्रचलितता अभी कम है, ये पूरी तरह से कमर्शियल पेड़ है, अभी जागरूकता नहीं है, जैसे जागरूकता बढ़ जाएगी तो भविष्य में इसकी मांग बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। फिलहाल अभी भारत के पश्चिमी भाग के अंदर ही ये महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं, धीरे धीरे हर जगह पूरी इंडिया के अंदर ये फैलना शुरू हो जाएंगे, लोग उसको जाना शुरू हो जाएंगे, तो सभी लोग इसको खेती के रूप में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया और जानकारी पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।